बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तीन दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिल्ली को जलमग्न कर दिया है। यह नजारा शनिवार है, देखें पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर का। आज हालांकि केंद्रीय सरकार की छुट्टी का दिन था, फिर भी बारिश के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अंडरपास भी भारी पड़ी है, लेकिन रोजमर्रे का काम लोगों को करना ही है। उमस भरी मौसम से भी लोगों को निजात मिली है। और देखें यह नजारा पटेल चौक का है। हमारे साथ ऑटो चालक है, जरा बात करते हैं। सर, ओ भाई जी, कैसा मौसम है? मौसम ठीक है, बढ़िया हो रहा है। तीन दिन से तो काफी बारिश है। काफी हो रहा है। आप लोगों को ग्राहक कम मिल रहे होंगे, आदमी कम निकल रहे होंगे, तो मौसम बढ़िया हो रहा है? मौसम बढ़िया, ये ठीक होने का उम्मीद है? देखो भगवान जाने कब होगा। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार मंदा है। मंदा चल रहा है। जो देखे ऑटो चालक है, बारिश के कारण इनका कारोबार कम है। वर्षा में भी आइसक्रीम की बिक्री हो रही है। यह नजारा देखे, पटेल चौक रफी मार्ग का है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया था लोगों का, तो इस प्रकार लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं बारिश ने दिल्ली को समय से पहले ठंड के आगोश में दे दिया है। यह नजारा है, देखें तेज हवा और तेज हवा के साथ साथ बारिश का यह नजारा काफी राहत प्रदान करने वाला भी है और कष्ट देने वाला भी है, क्योंकि कई निचले इलाके में जल जमाव हो चुका है। जल जमाव के कारण मोहल्ला वासियों की स्थिति विकट हो रही है। देखते रहिए हमारी न्यूज मेहर झा के साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखिए महानगर दिल्ली के बारिश का हाल।